चाची जी, ये सारा सामान आपके कमरे में। हमें लगा घर पे चोर आया है और चोरी हो गया है सामान, पर ये सब यहाँ क्या कर रहा है? ये सब मेरा है, मेरे मायके से आया है, मेरे बेटे की कमाई का है, तो इसे इस्तेमाल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है ना संध्या? चाची जी, ये क्या बोल रही है आप अभी भी गुस्सा है? मुझे लगा था कि रात के साथ आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा और सुबह उठ के हम सब साथ में चाय पियेंगे। चाची जी, अब जाने दीजिए ना प्लीज। चलिए ना, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना देती हूँ। ना बाबा ना, पता चला चाय में अदरक की जगह फिनेल डाल दिया तूने। मुझे नहीं पीनी चाय। कुसुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कल से कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हूँ। थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं, ये क्या बचकानी हरकतें हैं। चाची जी, आकाश कह रहा था कि आपके हाथ की गुजिया सबको बहुत पसंद है, आप हमें बना के नहीं खिलाएगी क्या? संध्या, कह दे इसे कि चाची ने नौकरानियों वाले काम करना बंद कर दिया है। बहुत उल्लू बनाया इसकी सास ने मुझे आज तक। खुद तो ठाट से बैंक में जाके बैठ जाओ, यहाँ घर संभालो, आकाश को संभालो, रसोई संभालो, बस बहुत हो गया। कुसुम का क्या है? कुसुम तो भोली है, दो शब्द मीठे प्यार से बोल जाओ, मोमबत्ती की तरह पिघल जाती है वो। बस बस बहुत हो गया, अब बिल्कुल नहीं। सारी उम्र अपने कंधों पर पूरे परिवार को संभाला है और ये बस एक पल में दीदी की जगह जेठानी बन गई और अपनी बहू की साइड ले ली। इन्हीं की वजह से कल मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया सबके सामने। थैंक यू कुसुम जी, आपने इतना कुछ किया हम सबके लिए। हाथ तो जोड़ ही चुकी हूँ, कहो तो पैर छू के माफी भी मांग लेती हूँ। देखिए ताने तो देखो सुबह सुबह कैसे भर भर के फूट रहे मुंह से। आप क्यों माफी मांगेंगी? आप कहाँ कभी गलत होती है क्या? गलत तो हमेशा कुसुम ही होती है। कुसुम, डिसाइड कर लो, बाहर वालों के सामने यही रवैया रखना है। रवि भैया, आप समझाइए ना चाची जी को प्लीज, गुस्सा थूक दे। जी भैया, माँ जो कर रही हैं ठीक कर रही हैं। भैया बस आकाश, सब अपना अपना काम देखो। हम अपना देख रहे हैं, तुम अपना देखो। ये क्या हो रहा है घर में? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे जाइए आप लोग, आप तो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, क्यों अपना कीमती समय हमारे साथ यहाँ बर्बाद कर रहे हो? जाओ जाओ जाओ। रख। सिलेंडर मेरे नाम पे है इसलिए यहाँ लेकर आई हूँ। चूल्हा आप लेकर आई थी इसलिए रसोई घर में रखा है। कुसुम, आज त्योहार है, थोड़ी देर में मोहल्ले वाले सब आने वाले होंगे, क्या यही नाटक करना है? अरे जाने दीजिए दीदी, काहे का मोहल्ला, काहे का त्योहार? हमारा त्योहार तो कल ही मन गया। होली के शुभ अवसर पर पटाखे भी तो फूटे, देखे ना आपने? जय जय जय। मम्मी जी चलिए, चाची जी अभी बहुत गुस्से में है। हम सबको पता है कि वो सबसे कितना प्यार करती है, उन्हें थोड़ा टाइम देते हैं, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। चलिए। करो करो सब इंतजाम, अब खुद से करो। बना बनाया सब कुछ मिलता था ना थाली में सच के। अब पता चलेगा कुसुम की कितनी जरूरत है इस घर को। मम्मी भूख लगी, खाने को दो इसे कुछ। कहाँ से दो मम्मी जी, कुछ बना भी है घर में? सिलेंडर यहाँ है, चूल्हा वहाँ है, क्या बनाऊँ मैं इसके लिए? कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी भूखी, मगर इनका साथ नहीं दूंगी। इसके लिए कुछ बाहर से मंगा के खिला दो इसे। मम्मा मुझे बर्गर चाहिए। अच्छा ऑर्डर कर दो। अच्छा मेरी वजह से हुआ ये सब, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। बिकॉज ना मैं कुसुम को थप्पड़ मारता, ना ये कदम उठाती। तो जाने दो सुभाष, जो हो गया सो हो गया। अब सोचना ये है कि मेहमान आने वाले हैं, खाने पीने का कैसे करेंगे। हर साल तो होलिका दहन की सारी तैयारियां मैं कर लेती थी, इस साल देखते हैं दीदी की कैसी बेइज्जती होगी सबके सामने, जैसे मेरी हुई थी कल। मैं इस साल मेरे घर वालों की बेइज्जती होने से कैसे रोकूं? वेरी स्मार्ट पल्लवी, इस चक्कर में कुसुम बाहर आएगी ही आएगी और घर पूरा सा हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं तो कहती हूँ पूरी दुनिया दीदी की वजह से शुरू हो गई है। अरे ये सब शुरू किया था मैंने, और नाम मिल रहा है पल्लवी की सास को। मम्मी जी, इसीलिए तो कह रही हूँ चलते हैं ना बाहर। हमने बॉयकॉट किया है, हम नहीं जाएंगे बस। चुप। तो मम्मी जी गुजिया बनानी शुरू करें? हाँ हाँ, और क्या, कुसुम भाभी तो आएंगी नहीं। हाँ वैसे आंगन गुजिया बनाने कौन वाला है? उसे हम अलग से शूट करना चाह रहे हैं, वो हाईलाइट है ना। वैसे तो सबसे अच्छी गुजिया कुसुम चाची बनाती है, लेकिन आज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो कौन बना सकता है उतनी अच्छी? आई थिंक मम्मी जी आपको ही बनानी चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे ये कैमरे वैमरे के सामने नहीं आना है। चलिए ना मम्मी जी, बहुत मजा आएगा, आप पूरी दिल्ली में फेमस हो जाएगी। और पहले फोटो शूट कर लेते हैं, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे, है ना? आइए 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 करते हैं। ओके, 5, 4, 3, 2, 1, एक्शन। 1 मिनट। आ गई कुसुम भाभी, ये तो ठीक लग रही है। नमस्ते, मैं हूँ कुसुम अवस्थी, और यहाँ पे जिसके बारे में बात चल रही थी वो मैं ही हूँ। मेरे हाथों के बने गुजिया दिल्ली में वर्ल्ड फेमस है, और आज भी गुजिया मैं ही बनाऊंगी. थैंक यू सो मच पल्लवी, मम्मी जी को बाहर लेकर आने के लिए। क्या है ये? हाँ, अब कुसुम यहाँ मतलब चमत्कार रही है, कैसे? क्या है ये सब पल्लवी का किया है कि कुसुम बाहर आ गई और गुजिया बना रही है। खाली के मतलब मैं आती हूँ। अब बस किसी तरह चाची जी की नाराजगी दूर हो जाए। नाराजगी क्या, उछल रही है वो, कैमरा देखा तो उछलती हुई आई होगी। लेकिन आकाश, सच कहूं तुम्हारी बीवी स्मार्ट है ना? तो ये सब इनका प्लान था। बहुत तेज बन रही है ये पल्लवी। तीनों बच्चों की गिफ्ट्स तैयार। क्या गलत क्या कहा है इसने? पैसे मेरे, आंगन मेरा, घर मेरा, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। कब से समझा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी शादी हो गई, अपने घर जा, अपने ससुराल जा, अपनी गृहस्थी संभाल, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। आज पहली बार है होली के दिन पल्लू से बात ही नहीं हुई। गुप्ता जी नमस्ते, कैसे हैं आप? वाह जयदेव जी वाह, क्या चूना लगाया आपने हमें। बेटी को प्लॉट दिखाने आए थे और कल हम यहाँ पूजा करना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो प्लॉट पर सरकारी बोर्ड लगा है, ये जमीन गवर्नमेंट की है और आपने गवर्नमेंट की जमीन हमको बेच दी। अरे रुकिए गुप्ता जी, कुछ गलतफहमी हुई होगी। अरे बहुत बड़ा फ्रॉड है ये, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करते हुए? बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े वादे किए थे, कितने बड़े झूठे हो आप। गुप्ता जी प्लीज एक बार शांत हो जाइए, आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूं, जल्दी आइए। कैसे ये सरकारी जमीन कैसे हो सकती है? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अगर वो जमीन फ्रॉड है तो मैं अपना आंगन कैसे बचाऊंगा? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.